ये इस राष्ट्रीय उद्योग एवं कृषि प्रदर्शनी अलीगढ़ के अंदर इस वक्त ये जो उपभोक्ता परिषद का प्रोग्राम हो रहा है उसके लिए मैं सबसे पहले मुबारकबाद देती हूँ ताहिर साहब को जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया। मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा इज्जत के साथ नाम लेती हूँ परमार साहब का, यहाँ पर बैठे हुए मंच पर सारे लोगों का जिनको मैं अच्छी तरह जानती हूँ, जिनकी तादाद बहुत ज्यादा है। हमारे सामने बैठे हुए कमांडेंट साहब, उनकी मिसेज निशाद साहिबा, हमारे बीच में बैठी हुई एक और हमारी बहन किरण शर्मा जी, कविता शर्मा जी, सुबुई खान जी और राही साहब जी, और हमारे जिन्होंने अभी बहुत अच्छी देशभक्ति का गाना सुनाया अनिल वर्मा जी। मैं इस टॉपिक पर आती हूँ ज्यादा बात न करके, मुझे अभी एक प्रोग्राम में जाना है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्यों जा रही है बीच में, मुझे बहुत बहुत अफसोस लग रहा है, इतने अच्छे लोग, इतना अच्छा मंच, इतना अच्छा प्रोग्राम और उसे मुझे छोड़कर जाने में अच्छा भी नहीं लगा। ये उपभोक्ता संघ, आप लोग सोच रहे होंगे उपभोक्ता है क्या। देखिए हमारी भारत सरकार ने हमको इस बात का अधिकार दिया है कि हम अपने हक को पहचाने। अगर हम एक, क्योंकि ये जिले लेवल पर प्रोग्राम हो रहा है, बड़े लेवल पर नहीं है, बड़े लेवल पर होगा तब बात करूंगी, लेकिन क्योंकि जिले का प्रोग्राम है इसके अंदर हमको ये अधिकार है कि जब हम कोई चीज खरीदने जाते हैं, किसी भी दुकान के ऊपर हम कोई चीज खरीदते हैं तो हम वो खरीद तो लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम अगर हम कोई दाल खरीदने जाते हैं तो किसी जगह कोई कीमत होती है, अगर उसी दूसरी जगह जाते हैं तो उसकी कोई और कीमत होती है, इसी तरह से चावल खरीदते हैं तो उसकी कोई और कीमत होती है, दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ पर कुछ और भाव होता है। तो हमें इस बात का अधिकार है कि हम इस बात को जाने कि इसकी सही कीमत क्या है, और इस बात को भी जाने कि अगर हम दूध खरीदते हैं दूध की जो भी कीमत हो, लेकिन इस बात की गारंटी होनी चाहिए उपभोक्ता जो यहाँ पर बैठे हुए हमारे रेस्पेक्टेड मंच पर परमार साहब बैठे हुए हैं। आम हम जागरूक तो आप कर ही रहे हैं, यहाँ के जितने भी हमारे लोग हैं वो यहाँ पर उपभोक्ताओं को जागरूक कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में इससे ज्यादा जागरूकता नहीं होगी कि इस साइड में भी मेरे पास, मेरे सामने बहुत से लोग बैठे हैं, मंच भरा हुआ है। इससे ये जाहिर होता है कि इन लोगों के अंदर बहुत ज्यादा खुद जागरूकता है और ये जागरूकता कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी होती है जब हम दूध खरीदते हैं तो क्या वो है कि ये असली दूध है या असली घी है या असली तेल है या असली साबुन है या असली तरकारी है। ये सारी चीजें इस बात को हम किस तरह से करें, तो मैं सिर्फ आपसे उपभोक्ता के बारे में तो आप लोग बताएंगे, मगर हमें एक हमारी ये भी है कि आप हमें बताइए कि दवा जो मिल रही है हमें, जो बीमारी है, बीमारी होती है जैसे वो बहन बता रही थी कविता जी, तो क्या वो असली दवा भी है? बीमारी को जो कोई दवाएं दी जाती है, डॉक्टर देते हैं, क्या वो असली दवाएं हैं? क्या वो असली खाद्य पदार्थ है? इसलिए इसके लिए भी कहीं जगह जगह मशीनें होनी चाहिए। एक गरीब आदमी जो दूध फौरन खरीदता है अपने बच्चे के लिए, बच्चे को दूध देने जाता है, वो कहाँ पर जांच कराएगा कि भाई ये असली है या नकली है? तो कहाँ पर, कहाँ जागरूकता है? अगर जागरूकता सही माने में है तो हर जगह इस बात का आलम होना चाहिए कि वो खुद जाके उस दुकान का नाम होना चाहिए, उस दुकान का पता होना चाहिए कि वहाँ पर जाकर उसकी जाँच कराएंगे और हमें सही चीज मिलेगी। मेरे सामने मेरे बहुत सारे लोग बैठे हुए रेस्पेक्टेड, मैं अपनी बात को यही खत्म करती हूँ और ये इसी बात के साथ कि जिंदगी रेशमो कंकाल नहीं है दोस्त, जिंदगी रेशमो कंकाल नहीं है दोस्त, और तुझको जीना है तो पत्थर कर पैदा कर, तुझको जीना है तो पत्थर कर पैदा कर। हम सब लोगों में जागरूकता है, हम सब लोग अच्छे बने, अच्छा समाज जब ही बन सकता है जब हमें अच्छा गुजारा मिलेगी, अच्छी हमारी
परवरिश होगी, परवरिश कैसे होगी जब हमें नकली दवाएं मिल रही है, नकली दूध मिल रहा है, नकली पदार्थ मिल रहा है, तो हमारा वक्त से पहले बाल सफेद होने जा रहे हैं, वक्त से पहले आदमी बुढ़ा हुआ जा रहा है, तो ये सारी बातें हैं। तो इस सब के लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा और आपको उसके लिए भी काम करना होगा। और परमार साहब आप और हमारे ताहिर साहब और हमारे ये पवन जी, पवन गांधी जी जो गांधी जी के नाम से मशहूर है और अपने में बहुत ही जागरूक है, अनिल वर्मा जी, सब मन पे बैठे हुए सारे लोग, कमांडेंट साहब और सारे हमारे जितने भी यहाँ रेस्पेक्टेड लोग आए हैं, सबका एक बार मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। माफी चाहती हूँ कि मुझे जाना पड़ रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा मंच, बहुत अच्छा प्रोग्राम। दुआ है कि आप लोग जागरूक करें और इसी तरह